फाइनली आज हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है और आज हम जा रहे हैं नौकुचिया ताल। तो भाई मैं सही बता दूं ना आपको, नौकुचिया ताल के लिए मैंने कम से कम 4 से 5 बार प्लान बनाए हैं, लेकिन मैं कभी वहाँ पहुँच नहीं पाया। कम से कम 2-3 बार तो मैं नैनीताल से लौटा हूँ और 2 बार मैं हल्द्वानी से लौटा हूँ। तो भाई आज फाइनली मुझे नौकुचिया ताल जाना है, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम और फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा। क्योंकि मैं भीमताल तो 2-3 बार गया हूँ और नैनीताल तो बहुत ही बार आया हूँ, लेकिन कभी नौकुचिया ताल मैंने एक्सप्लोर नहीं किया और ना ही कभी मैं वहाँ पर गया हूँ। तो भाई आज जाकर देखूँगा कैसा है कैसा नहीं है। बाकी मैंने देखा है बहुत सारी एक्टिविटी होती है नौकुचिया ताल में, जैसे कि हॉट एयर बलून, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग। तो भाई देखते हैं ये एक्टिविटी हमें वहाँ पर मिलती है, यानी कहाँ कहाँ पर होती है मुझे कुछ नहीं पता है, ये लोकेशन मेरे लिए तो नहीं है। और वैसे लोकेशन बहुत प्यारी है, मेरे काफ़ी दोस्त वहाँ पर गए हैं, उन्होंने मुझे बताया था और मैंने 1-2 वीडियो भी देखी हैं। तो भाई फाइनली आज जो भी हो जाए मुझे वहाँ पर पहुँचना ही है। और वैसे मौसम आज काफ़ी अच्छा रखा है, देखो भाई कितना अच्छा मौसम हो रखा है, और वैसे राइड में मज़ा भी आ रहा है। हम लोग जा रहे हैं नौकुचिया ताल के लिए और रास्ते में ना ये मंदिर पड़ा था भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हम यहाँ रुक गए। तो देखा तो है नहीं हमने कभी, चलते अंदर देखे और भाई काफ़ी अच्छा लग रहा था। अंदर ना गुफाएं जैसी थी, हमने अभी दिखाई थी, और बाकी हम यहाँ पर आए मंदिर में, अभी देखते हैं यहाँ पर घूमते हैं। जो भी हम शूट कर रहे हैं ना, हमें अंदर से परमिशन मिली थी, जो पुजारी जी हैं वो हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने हमसे कहा कोई बात नहीं है, पहले आप हमारी बात सुन लो, अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद ही कुछ बताना मंदिर के बारे में, ऐसा नहीं कि भाई कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दो। और यहाँ शूट करने के लिए भी हमें उनसे ही परमिशन मिली थी, उन्होंने बोला आप आराम से शूट करो, अच्छे से शूट करो। तो अभी हम जो घूम रहे थे वो था ऊपर मौनी माई का मंदिर, यह देखो यहाँ पर लगा है, और नीचे इस साइड है गौशाला और इस साइड है ध्यान केंद्र। तो भाई अभी इतना टाइम तो नहीं है, अगर हमारे भाई टाइम होता तो हम यहाँ पर रुकते। अब निकल रहे हैं भाई मंदिर से बाहर, और मंदिर ना बहुत बड़ा, देखो वो उस रास्ते से आए हैं, ऊपर वाले रास्ते से हम अंदर आए थे परिक्रमा करते हुए, भाई इस रास्ते से निकल रहे हैं। तो पंडित जी हम निकलेंगे कौन से रास्ते से, उन्होंने बोला आप ऊपर से आए परिक्रमा करते हुए और आपको जाओगे अब इस रास्ते से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। चलो अब निकलते हैं आगे के लिए, काफ़ी टाइम हो रहा है। तो फाइनली अभी पहुंच चुके हैं नौकुचिया ताल और हमने अपनी बाइक यहाँ पार्क कर दी है। बाकी भाई लोकेशन तो बहुत प्यारी है, और अभी ना आगे जिप लाइनिंग चल रही थी, तो अभी चलते हैं, बाइक भी पार्क कर दी, सब सामान रख लिया। खाली खाली सा नैनीताल तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत भीड़ हो रही थी। अभी क्या टूरिस्ट लोग भी कम हो गए हैं, तो यहाँ पर तो वैसे ही कम लोग आते हैं। नैनीताल में बताया ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आप कहीं भी चले जाओ, किसी कोने चले जाओ, मॉल रोड चले जाओ, वहाँ भीड़ मिलेगी, झील के पास ही भीड़ मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बहुत कम है। अब देखो पूरा रोड देखो खाली है, हम भाई मज़े से आए, हमें एक बंदा नहीं मिला ना इधर से हमें क्रॉस करा, किसी ने ना सामने से क्रॉस करा, बस कार जा रही है टूरिस्ट की और कुछ नहीं है। तो अगर भाई अगर अकेले में टाइम बिताना चाहते हो तो आ सकते हो, मज़े से घूम सकते हो। झील घूम ली भाई, उस कोने में पहुँच गए और इस कोने में भी आ गए, और यहाँ पर जो नाव है ना ऐसी है, मतलब सजा के रखी है, जैसी श्रीनगर में होती है डल लेक में ऐसी वाली नाव है, क्योंकि ऐसी वाली नाव ना अपने यहाँ नैनीताल में बहुत ही कम मिलती है, मतलब सिंपल नाव मिलेंगे ऐसे सजा के नहीं रखते, यहाँ पर लोगों ने बिल्कुल सजा के रखी है। और अभी ना मौसम भी ऐसा हो गया बिल्कुल ठंडा ठंडा, अभी तो मतलब धूप निकल रही थी, अभी तो बिल्कुल धूप खत्म है, और भाई अब तो कुछ ज़्यादा ठंड लगेगी। हमारे पास बस यही है, बाकी हम कुछ पहन के आए नहीं, अंदर से भी थर्मल नहीं पहने हैं, और मौसम ऐसा होने लगा जैसे बारिश वाला, लेकिन बारिश तो होगी नहीं, मौसम तो साफ ही है।
यहाँ पर जिप लाइनिंग होती है, तो भाई दो जिप लाइनिंग है यहाँ पर, एक छोटी एक बड़ी। तो हमें बीच में भैया मिले थे, वो बोल रहे हमसे भाई छोटे वाली जिप लाइन कर लो 200 रुपये में, और एक भैया और मिले थे हमें, वो बड़ी वाली जिप लाइन है, कह रहे वो सब 500 रुपये, लेकिन आपके लिए डिस्काउंट हो जाएगा, आपको 300 रुपये में करा देंगे। हमने कहा नहीं भाई, हमें तो ना झूले में बहुत लगता है, तो जिप लाइनिंग तो हम करेंगे नहीं। बाकी बहुत सारी एडवेंचर चीज़ होती है यार, हमें लग रहा शायद नौकचैताल में खाली नाव चलती होंगी, तो यहाँ जिप लाइन भी होती है, छोटी जिप लाइन, बड़ी जिप लाइन, और पीछे में देखा था पैराग्लाइडिंग होती है, और बलून वाला भी होता है भाई, काफ़ी चीज़ें और भी हमें पता नहीं है, और भी चीज़ें होंगी।